ही योगा करने बैठती हूँ तो मेरी गोदी में आके बैठ जाती है, मुझे बता मैं कैसे करूँगी, रोज का ही काम हो गया तेरा ये है, बोलो कैसे करूँगी मैं योगा। इतना परेशान कौन करता है, कौन करता है किसी को परेशान इतना। हटो, मैं योगा कर लेती, थोड़ा सा इधर बैठ, इधर आ जाओ थोड़ा सा, चलो इधर बैठ थोड़ा सा, बस यहाँ बैठ। तो जी अभी मैं कर रही हूँ योगा, और देखा आपने ना कितना परेशान करती है, बस इस तरह से ना इसका रोज का ही काम है। अब ये देखिए दूसरी तरफ आके बैठ जाएगी और इतना परेशान करती है ना मुझे कि मेरा योगा भी ना बीच में कई बार रह जाता है। अभी देखिए धक्का मार के मुझे साइड में कर रही है कि नहीं मुझे गोदी में बैठना है। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना योगा और उसके बाद ही फिर मैं नीचे जाऊँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो उसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो झटपट से मैं कर लेती हूँ योगा, तब तक डेजी जो है मेरे बाजू में ही बैठी रहेगी, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाने वाली है। हालांकि उसको खुद को भी बाहर घूमने के लिए जाना है, लेकिन नहीं, वो साथ साथ में बैठी रहेगी। देखिए कभी इधर को कभी उधर को, बस यहाँ पे बैठ के मेरा योगा देखती रहती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी बस मैंने अभी अपना योगा ख़त्म किया, अभी थोड़ा सा वॉक करूँगी और उसके बाद फिर चाय बनाते हैं। तो अभी ना बाहर बहुत अच्छा मौसम है, सुबह सुबह के टाइम पे ना काफ़ी अच्छा मौसम है। ये देखिए अभी जो है सूरज निकल रहा है, सुबह का टाइम है जो कि अच्छा लगता है। और आजकल ना डेजी बहुत परेशान करती है, योगा बिल्कुल भी नहीं करने देती है। जैसे तैसे करके मैं अपना ना थोड़ा बहुत जो भी है उसको ख़त्म करती हूँ, लेकिन वो ना बहुत परेशान करती है, उसको बहुत मज़ा आता है उस टाइम पे ना। कल शाम को होलिका दहन था, आज यहाँ पे होली नहीं मना रहे, होली मनाएंगे कल यहाँ पे, तो आज बीच में गैप है एक दिन का। तो चलिए देखते हैं आज पूरा दिन भर क्या होता है, क्या करते हैं, आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करती हूँ, ये तो आगे ही आपको पता चलेगा ब्लॉग में। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें इसको। सबसे पहला काम पानी गर्म करना, बाद फिर चाय पीती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद ये सारा सामान भी उठा के अपनी जगह पे रखना है। यहाँ पे थोड़े से कपड़े हैं, इनको भी फोल्ड करना है। ऊपर की मैंने बेडशीट आज चेंज कर दी है, तो इसको भी उठा के मशीन के पास ही रख देते हैं। हाँ, इन सबको बाद में फोल्ड करूँगी, बाकी की क्लीनिंग सारी बाद में ही करनी है। और ये बैग जो है ना इसको गाड़ी में रखते हैं हम लोग, क्योंकि बाहर कहीं जाए ना तो फिर इजी होता है, सामान कुछ भी लेना हो तो फटाफट से अपने बैग में डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें सब कुछ उठाना है यहाँ से। ये मेरी पानी की बॉटल और दूध आ गया, इसको भी रखना है गर्म करने के लिए।
मैं ये कल ना अपने लिए ब्रश लेके आई थी और कितना अच्छा लगता है ना नई चीज़ को यूज़ करना। जब भी कोई भी नई चीज़ हो, चाहे पुरानी, अभी मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं हुई होती है, लेकिन फिर भी जो नई चीज़ आती है ना उसको यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से नया टूथपेस्ट, उसको भी फटाफट खोलने का वो जो क्रेज़ होता है ना, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। घर की कोई भी चीज़ लेके आओ तो उसको मतलब यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो ग्रॉसरी हो, किचन का भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी आइटम हो, उसको ना नई को यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बस वही मुझे भी लग रहा था कि फटाफट से ब्रश को ओपन करूँ और उसको यूज़ करें। मुझे लगता है कि ये ना सबके अंदर ही होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, या फिर थोड़ी ज़्यादा एज वाली हो, सबका ही वही हाल होता है कि नई चीज़ को यूज़ करना ना सबको अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने फटाफट से जो है अपना दूध रख दिया गैस इंडक्शन पे गर्म होने के लिए, गैस बोलने वाली थी, और साथ साथ में चाय भी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो जब तक दूध गर्म होएगा हमारी चाय भी पी के हो जाएगी, और उसके बाद फिर करूँगी नाश्ते की तैयारी। शावर वगैरह लेना है मुझे, पूजा करूँगी, और थोड़ी बहुत जो है क्लीनिंग करनी होती है तो वो सब करके रखूँगी। और अभी जो हो गया दोपहर का टाइम, तो मैं बनाऊँगी अभी लंच, और आज जो है हस्बैंड का ही खाना बनेगा, मेरा तो व्रत है तो मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। और ये जग को ना मैंने देखिए कितने अच्छे से साफ़ कर दिया, पीताम्बरी से साफ़ कर दो और फिर ऊपर से सूखा कपड़ा मार दो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आज कल ना मैं इसका ही पानी पीती हूँ। और अब मैं आ गई थी ऊपर, तो ऊपर की जैसे मैंने आपको बताया कि बेडशीट जो चेंज करनी है मुझे, और जो दूसरी थी उसको मैं लेके चली गई थी। और ये बेडशीट हम कल लेके आए थे, तो मैं वही आज ना इसके ऊपर डालने के लिए आई हूँ। दो इसमें पिल्लो कवर है, और सबसे अच्छी बात क्या लगी ना कि इनमें जिप है तो बहुत अच्छा है। ये देखें इस तरह से ना जिप है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये है ग्रीन कलर की, और एक मैंने और लिया वो ब्लू कलर की है, तो सेम ही चीज़ है दोनों का, सेम ही। लेकिन वॉश करने के बाद कैसी जाती है तो वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन वैसे ये प्योर कॉटन है और प्रिंट बहुत अच्छा है इसका, मुझे बहुत पसंद आया है। चलिए अभी डाल के देखते हैं बेड के ऊपर, और साइज़ काफ़ी बड़ा है इसका, तो पहले डाल के देख लेते हैं। तो ये मैंने बिछा दी है पूरी बेडशीट, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारा इसका लुक आ रहा है। पिलो कवर भी बहुत अच्छे हैं, एकदम परफेक्ट साइज़ के हैं, और कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी वाली जो ब्लू है वो साइज़ सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा है इसका। और ये है फालूदा मिक्स, तो इसके अंदर सब कुछ मिक्स होता है, और ये रोज़ फ्लेवर का है जो कि बहुत अच्छा लगता है, रूह अफ़ज़ा फ्लेवर जैसा आता है ना वैसा है सेम। तो दूध थोड़ा बस पहले का रखा हुआ था, थोड़ा बहुत इसमें और ऐड करके मैं जो है फालूदा बनाने वाली हूँ। तो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, तब तक मैं काट लूँगी भिंडियाँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, तो साथ साथ में खाना भी बन जाएगा और फालूदा भी मैं बना लूँगी साथ साथ में ही। और आटा मैंने सुबह लगा के रख दिया था, तो मेरा तो व्रत है, मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, मैं तो रात को एक ही बार खाना खाती हूँ। तो फटाफट से करते हैं पैकेट को कट और हाफ कर लेते हैं इसका, क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 8 या 9 लोगों के लिए हो जाता है एक बारी में एक पैकेट से। तो हम तो 2 ही जन है, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कर लिया है उसको, और बाकी का मैंने ये देखिए अंदर ही रहने दिया है, इसको पैक करके ऐसे ही रख दूँगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बनाना होगा बहुत इजी से बन जाता है। दूध अच्छे से गर्म हो गया था, काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो गया था, और इसके अंदर मैंने फालूदा मिक्स ऐड कर दिया है, और देखिए कितना अच्छा पिंक पिंक कलर आ रहा है इसका, बहुत अच्छा लगता है ये। और इसको थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी, ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंडा होकर ऑलरेडी वैसे ही ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, और दूध मेरा पहले से ही पका हुआ था, तो ज़्यादा गाढ़ा करूँगी तो एकदम से ये जम ही जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है इसको। और दूसरी तरफ मैंने लगा दिया था भिंडियों में चौंक, थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है मैंने, इसमें जीरा डाला है और थोड़ा सा साबुत धनिया, इसमें थोड़ा सा प्याज काट के ऐड कर दिया है मैंने, और प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद भिंडी ऐड कर देंगे। काफ़ी अच्छी लगती है इस तरह से ना सिंपल सी भिंडी।
और जब भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो उसमें हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा और धनिया का पाउडर, वो भी ऐड करूँगी मैं इसमें। और अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाना है। जब भिंडी अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो लास्ट में थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। इस ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, उससे बहुत अच्छा हल्का हल्का सा खट्टा सा टेस्ट आता है, तो भिंडी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है इस तरह से भिंडी। तो ये जो फालूदा मैंने सुबह बना के रखा था, एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है और बहुत अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। बस इसको एक बार मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया क्योंकि सुबह का बना के रखा है, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में भी रख दिया था, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा चिल्ड हो गया ये। अभी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक आइसक्रीम रखी हुई थी, तो हाफ हाफ स्पून मैं ये आइसक्रीम का भी इसमें ऐड कर दूंगी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। सिंपल सी आइसक्रीम थी नट्स वाली, तो ये ऐड करके तो और भी इसका टेस्ट बढ़ गया था। तो चलिए फटाफट से खाते हैं फालूदा, जो कि रात को खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये डेजू का, डेजी छोड़ेगी बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब हम करते हैं अपने फालूदे को इंजॉय, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।